एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिवानीज वर्ल्ड। मेरा नाम है शिवानी तिवारी और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वन किचन एंड होम क्लीनिंग हैक। चाहे हमारे घर के यूटेंसिल्स हो या हमारे घर का फर्नीचर, ओवर द टाइम वो सब गंदा हो जाता है और उसकी क्लीनिंग और उसमें से काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग चली जाती है, वो डल और पुराने से लगने लगते हैं। तो आज मैं शेयर करूंगी कि अपने घर के फर्नीचर को और अपने घर के यूटेंसिल्स को आप कैसे स्पार्कलिंग क्लीन बना सकते हैं। और यस, अगर आपको वीडियो पसंद आए और इनमें से आप कोई भी हैक ट्राई कर रहे हैं सो प्लीज़ कॉमेंट दैट कि आपको कौन सा हैक ज़्यादा यूजफुल लगा या आप कौन सा हैक ट्राई करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का ये अमेजिंग सा वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज शेयर करूंगी एक पावरफुल होममेड डिश क्लीनर जो आपकी डिशेस को ना तो केवल क्लीन करेगा बट आपकी डिशेस में एक अमेजिंग शाइन भी ऐड करेगा। ये बहुत ही आइडियल है टू सेव योर मनी आल्सो। इवन एट द सेम टाइम इस डिश लिक्विड को आप अपने डिश वॉशर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस लिक्विड को बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे लेना है 100 ml ऑफ डिश लिक्विड। वो आप किसी भी ब्रांड का और अपनी चॉइस का ले सकते हैं। उसमें ऐड करना है 1 teaspoon ऑफ टूथपेस्ट। इवन टूथपेस्ट भी आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। यू शुड नो दैट द टूथपेस्ट इज सो पावरफुल व्हेन इट कम्स टू क्लीनिंग। तो अब इसमें ऐड करना है टूथपेस्ट जब तक वो पूरे तरीके से मिक्स ना हो जाए। यहाँ पे आपको दूसरा बोल लेना है जिसमें ऐड करना है 100 ml ऑफ वाटर एंड ऐड 1 teaspoon ऑफ बेकिंग सोडा। इवन बेकिंग सोडा भी बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है टू रिमूव स्टेन्स एंड बैड ओडर्स एज इट डिसइंफेक्ट्स एंड रिमूव्स बैक्टीरिया। नाउ मिक्स इट वेल। अब आपको इन दोनों बोल्स के लिक्विड को मिक्स कर लेना है और उसको बहुत अच्छे तरीके से स्टर करना है। अब यह आपका मिक्सचर रेडी हो गया है और आप इसको अब अपनी किसी भी बॉटल में पोर करके रख सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डू अ टेस्ट ऑफ दिस मिक्सचर सो यू कैन सी कि ये लिक्विड कितना इफेक्टिव है। यहां पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो वीडियो जो बिफोर क्लीनिंग है। ये स्टील का सिंक है, इसको मैंने नॉर्मल डिश बार से क्लीन किया है, ये तब उसकी इमेज है। नाउ आई विल टेक लिटिल मिक्सचर और आप देखेंगे ये कितना अमेजिंग वर्क करेगा। ऑनेस्टली दिस मिक्सचर वर्क्स वेरी वेल विद लिटिल क्वांटिटी एंड इट फॉर्म्स इनफ। Even not only your dishes, not only your steel sink, even your other surfaces of your house, कोई भी आपको countertop भी clean करना है, this mixture works very well. Even ना तो केवल clean करेगा, एक amazing सी mint smell भी add करेगा आपके area में। So do try this and let me know in the comment section कि आपको ये hack कैसा लगा। सो विद टाइम हमारे घर के सभी वुडन फर्नीचर डल और पुराने दिखने लगते हैं। तो अपने फर्नीचर को नया बनाकर रखने के लिए यहाँ मैं शेयर करूंगी एक DIY क्लीनर। तो उसके लिए आपको यहाँ एक बोल लेना है, उसमें ऐड करना है 1 cup ऑफ व्हाइट विनेगर। नाउ ऐड 1/4 cup ऑफ ऑयल। नॉर्मली जो हम घर में कुकिंग के लिए यूज करते हैं आप वो ले सकते हैं। और अब उसमें ऐड करना है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एनी एसेंशियल ऑयल जिसे व्हाइट विनेगर की स्ट्रॉन्ग स्मेल बहुत ज्यादा ना लगे। नाउ मिक्स इट वेल। अब इस मिक्स को आप किसी भी स्प्रे बॉटल में पोर कर लीजिए एंड इट्स रेडी टू यूज। अब इस मिक्स से आप अपने घर के सभी वुडन फर्नीचर को अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हैं। बस आपको स्प्रे करना है और आफ्टर 5 मिनट्स You can use any microfiber cloth and wipe it. आप immediately notice करेंगे कि how hydrated and shiny it will look. This is such an amazing hack to clean your wooden furniture. Do try it. सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और इन केस अगर आप इनमें से कोई भी हैक यूज कर रहे हैं डू कमेंट दैट। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।